अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। आज का लीगल लेक्चर है ड्यूरेशन ऑफ स्टे इंजेक्शन। इंजेक्शन की कितनी मुद्दत होती है हम देखते हैं। आर्टिकल 199 और उसका सब है 4A। आर्टिकल 199 4A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है शेल नॉट एक्सपायर इप्सो फैक्टो After the lapse of 6 months, but would continue to be in force even after the lapse of 6 months. ये आर्टिकल 199(4)(e) कहता है आइन का कि जो इंजेक्शन है वो एक्सपायर नहीं होगा 6 महीने के बाद, बल्कि कंटिन्यू रहेगा 6 महीने भी गुजर जाते हैं तो। अब अगर हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड की, सीपीसी की, सीपीसी आर्डर 39 रूल 1 और 2 को अगर देखते हैं, जो कि लोअर कोर्ट स्टे ग्रांट करती है नोटिस के साथ या विदाउट नोटिस। समटाइम ऐसा होता है, ज्यादातर ये सूरत हाल है 39 में, कि कोर्ट पहले पार्टी को नोटिस देती है, हियरिंग करके स्टे ग्रांट करती है। या समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि इस किस्म का मैटर है, कोर्ट समझती है कि नोटिस बाद में देंगे, फिलहाल इसको स्टेटस को कर दिया जाए। तो लोअर कोर्ट जो ज्यादातर सूरत हाल देखी गई है, जो जनरल प्रैक्टिस है, बगैर नोटिस के लोअर कोर्ट नहीं करती स्टे। हां, अलबत्ता हाई कोर्ट कर देती है। अगर नहीं करती, दोनों पार्टियों को नोटिस करती है दूसरी पार्टी को, वो आके अपना काउंटर देती है, हियरिंग करके अगर स्टे करेगी तो ऑफकोर्स ग्रांट कर देगी 6 महीने का स्टे, जो कि वैलिड होगा, 6 महीने तक वो वैलिड होगा। अगर उसने टेम्परेरी किया है तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हम गए, अप्लीकेशन फाइल की विदाउट नोटिस, कोर्ट ने स्टे कर दिया तो दैट विल बी एक्सटेंडेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो अगली डेट ऑफ हियरिंग तक वो स्टे चलता रहेगा, फिर नेक्स्ट डेट आएगी हम अप्लीकेशन लगाएंगे एक्सटेंशन की, कोर्ट उसको एक्सटेंड कर देगी, फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, तो हर डेट तक उसको एक्सटेंड करता रहेगा। इसी तरीके से हाई कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर जारी जब हो जाता है तो वो भी डेट टू डेट एक्सटेंड होता रहता है, सिर्फ एक वर्बल रिक्वेस्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि रेवेन्यू मैटर्स अगर हैं तो उसमें स्टे 6 महीने से ज्यादा स्टे ग्रांट नहीं होगा। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने यह रिट्रीट किया है कि जो भी स्टे कोई भी कोर्ट अगर ग्रांट करती है सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो वो ऑटोमेटिक 6 महीने गुजरने पर एक्सपायर हो जाएगा, और जब तक कोई वैलिड ग्राउंड काज नहीं होगी तो उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इंडिया में आमतौर पर 1 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर अंदर, 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर स्टे ग्रांट हो जाता है। अगर हम स्टे की ग्राउंड देखते हैं, स्टे के लिए जरूरी है कि प्रिमा फेसाई केस होना चाहिए, और उसके अलावा इरिपेरेबल लॉस होना चाहिए और प्रोजुडाइस होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं। अगर वो पार्टी प्रोजुडाइस हो रही है स्टे ना होने की वजह से, या उस पर इरिपेरेबल लॉस उसका हो रहा है, या फिर प्रिमा फेसाई उसका केस मौजूद है, तो ये 3 शर्तें अगर पूरी होती हैं तो कोर्ट जो है स्टे ग्रांट कर देगी। ये था हमारा आज का लेक्चर कि स्टे किस तरीके से ग्रांट किया जाता है। इसके साथ इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।